यार कैसे आप सब लोग? मुझे भी है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी अपनी दुआ ठीक हूँ। आज की वीडियो आज के लोग शुरू करते हैं। मैं भी सुबह सुबह आ गया हूँ शॉप पे, शॉप खोलने लगे हैं। सारी रात लाइट ने जलील किया है। कलम वो वाला चल रहा है कि जो लाहौर में है उनको तो पता होगा, जो लाहौर से बाहर है उनको भी पता होगा पंजाब में सिर्फ कितनी शिद्दत वाली गर्मी पड़ रही है ना, जो हमारी जब से उस माला कमी नहीं पड़ी, ठीक है, यानी कि बर्दाश्त से बाहर हो रही है। बाकी आगे देखो अल्लाह की मर्जी, बता रहे हैं कि दो तीन दिन बारिश शुरू हो जाएंगी, बारिश होनी चाहिए क्योंकि लाइट ने तो बहुत जलील किया, मगर मौसम बेहतर हो जाएगा तो लोगों को जो है जीने में आसानी होगी। आपको मेरे चेहरे से नजर आ रहा होगा नींद नहीं पूरी हो सकी पूरी रात, गर्मी की वजह से लाइट जाती रही है, क्या करते हैं। वो सुबह आ गए हमारे पास मेहमान चौधरी शफीक साहब, ठीक है, ये भर्ती हो गए हैं अजीज भट्टी टाउन में स्पेशल एजुकेशन ब्रांच का। स्पेशल एजुकेशन ब्रांच होती है जो बच्चे डिसेबल होते हैं, स्पेशल होते हैं, ठीक है, उनका जो तरीनी इदारा है इसमें इनकी भर्ती हो गई है। अगर कोई बंदा हमारी वीडियो देख रहा है, अगर कोई किसी को मशवरा चाहिए होगा लाहौर के अंदर अजीज भट्टी टाउन में जो है सिस्टम, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह शफीक साहब आपकी पूरी हेल्प करेंगे, जो कुछ भी होगा ना शफीक साहब आपको पूरा तावन करेंगे, क्योंकि जो चीज़ इख्तियार इसमें गवर्नमेंट पूरी सहूलतें दे रही है। गवर्नमेंट आपके लिए ना इसमें यूनिफॉर्म फ्री है, ठीक है, शूज़ फ्री हैं, किताबें फ्री हैं, फीस फ्री है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट फ्री है, उसके बाद महाना वजीफा भी बच्चों को दिया जाता है ताकि बच्चे कुछ जेब खर्च चले, ठीक है, बच्चे डिसेबल अगर पढ़ लिख जाएंगे थोड़ा बहुत वो अपने काबिल बन जाएंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग ना अपने इर्द गिर्द गली मोहल्ले में देखें, और अपने हर लाहौर के अंदर हर टाउन के अंदर स्कूल है, हाँ जी, और पूरे पंजाब में भी स्कूल हैं, हाँ जी, और आप लोग जमा अपने बच्चों को वहाँ इधर करें, दाखिल करवाएं और अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल ठीक हो। बहुत शुक्रिया। बताइए कि जी ये एक फ्लाई काम है, मतलब ये ना भी करे तो इसको क्या टेंशन है, ये तो अपनी जॉब कर सकते हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दोस्त काफ़ी अच्छे हैं, उनका नहीं जा रहा, हमारे पास ये इख्तियार है तो हम इस इख्तियार को इस्तेमाल करके जिन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है उतना फ़ायदा कर दें, ठीक है। तो बस आज यही आपको तारीफ कराना था इनका, क्योंकि हमारे ही स्कूल में जो बच्चे डिसेबल पड़े हुए हैं, ब्लाइंड हैं या वो दूसरे जिस्मानी कम मजदूर हैं, वही बच्चे पढ़ के आज वहाँ वो टीचिंग कर रहे हैं, तो एक अच्छी पे ले रहे हैं, एक अच्छा अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो बजाय मजदूर रह के दूसरे पर बोझ बनने के और अपना बंदा अपना खुद सर्वाइव करे। हाँ जी ऐसे ही। तो अभी जो है उनके साथ बैठ के गपशप हो रही है, आपको मिलते हैं 10 मिनट बाद। ये जो तैयार किया हुआ ना ये पाइप वगैरह, हाँ ये सामान को भेजना है, इसके ऊपर ना कुछ बैरंग फिट होने हैं, तो मैं अभी ये ले जाता हूँ, इसके ऊपर फिटिंग करके इसको रवाना करते हैं। ये टायर जो है ना मैंने लगा दिए अभी चारों, सुबह से लगी हुई मैंने, लाइट गई रही है 3 से 4 घंटे, अभी लाइट आई है करके फारी हुए हैं। तो अभी ये टैंकी जो है ना इसको 2 सॉकेट वेल्डिंग होनी है, ये भी करके मैं दिखाता हूँ। टैंकियाँ शेंकियाँ चली गई हैं, सामान जो भेजना था सामान ये मैं लेके आया हूँ, अभी विंडो बनानी, जो एक कूलर का स्टैंड आ गया इसके ये टायर चेंज करने हैं, ये करने के बाद स्टील की ग्रिल की जो कटिंग करेंगे जो और बनानी, इस तरह ग्रिलें जो है ना वो और तैयार होनी है। अभी लोहे टायर ये भी सारे जो है ना चेंज हो गए हैं, अब हो गया मगरिब की अज़ान का टाइम, मगरिब की अज़ान के बाद कटिंग शुरू करते हैं। रश्का आ गया, ये टूट गया, इसका कोई बता रहे हैं कि नीचे से पिलर होता है चांद काला था बता रहे हैं, चलो पिलर टूट गया था, वो वेल्डिंग होगा अभी अजान के बाद, इसको उठा के पहले ये करेंगे फिर उसके बाद कटिंग की बारी आएगी। ये देखो ये नीचे से रिक्शा जो है ना टूटा हुआ है, इसको अभी वेल्डिंग शेल्डिंग करते हैं। कटिंग हो गई हमारी कंप्लीट, ये पाइप है इनका डिज़ाइन बनने दरमियान में ये फ्रेम बनेंगे, उसके बाद साइज निकलेगा फिर ये कटिंग होगी। अभी जो है छुट्टी का टाइम होगा, 9 बज गए हैं, सामान सारा क्लोज कर रहे हैं, अंदर रख रहे हैं, बरीक जो पाइप पड़े हैं उनका इस तरह डिज़ाइन बनना है और वो फ्रेम बनेगा ना चारों तरफ का, ये जो फ्रेम होता है उसके बाद साइज निकलेगा फिर बाकी का काम होगा। ये बैनर चेक कर रहे हैं, हवा के साथ हिल रहा है, हवा चल रही है, मगर बस का आलम यह है कि हवा लग नहीं रही, जिसम के ऊपर असर नहीं हो रहा मगर हवा चल रही है, इतनी ज़्यादा शिद्दत वाली गर्मी हुई है। मैं भी नहा के फ्रेश हो गया हूँ, दुकान बंद करके घर आ गए थे, और मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आज की जो वीडियो ना इसको आप मेरे लिए नहीं मगर इसमें जो एक सिस्टम है ना उसके लिए इसको शेयर करें, कि जो डिसेबल बच्चों के लिए बनाई गई है कि भाई आप मतलब काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, जैसे मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी आज ही पता चला है कि डिसेबल बच्चे जो होते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा निज़ाम जो है हमारी गवर्नमेंट ने बना के रखा हुआ है। ये 25-30 साल पुराना है, शायद उससे भी पुराना हो मगर हमारी नॉलेज में इतना है, और काफ़ी सारे लोगों का भला भी हो सकता है, जो बेचारे गरीब लोग हैं नहीं अफोर्ड कर सकते मगर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उनको पता ही नहीं होता, ठीक है। आज वही मेरा दोस्त गया है किसी के घर, तो उसको पता चला है, वो औरत बता रही है कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें एक पता चला कि मॉडल टाउन वाली साइड पर कोई स्कूल है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फीस है, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे बच्चे को तो हम इसलिए पढ़ा नहीं सके,
तो वो बच्चा 13 साल का हो गया, तो अभी उसको एडमिशन जो है ना आज उसने करवाया उसका। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शेयर कर दें, बस ये आपसे गुजारिश है। इसका फ़ायदा मुझे भी होगा और आपको भी होगा। अगर हमारी वजह से कोई एक बच्चा भी पढ़ने लग गया, उसकी ज़िंदगी बन गई, तो इंशाल्लाह जो शेयर करेगा उसको भी फ़ायदा होगा, और जो जिसने बनाई है या जिसने बात शेयर की है, जो काम उसका करवाएगा उसको भी फ़ायदा होगा। और अभी जो है मेरे पास आज खाने में आया तरबूज, मैं भी डिनर में तरबूज खाऊंगा। आप मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। आज की जो वीडियो है ना, इसको ज़्यादा नहीं तो आधी ज़रूर देखें, देख के इसको शेयर लाजमी करिएगा। इसमें जो बातें की हैं वो बड़ी अहम है, और इंशाल्लाह ये बनाई है किसी फलाही काम के लिए कि चलो भाई किसी का भला हो जाए बस।